हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सभी क्वेश्चंस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था 27, 28, 29, 30 जून को होना था, बट वो फिर से डिले हो गया है। अब वह एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा। तो दोस्तों, टलता जा रहा है समय, बट आप तैयारी मत छोड़िएगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटिन्यू तैयारी करता रहेगा। एंड जितने भी अदर स्टेट में भी वैकेंसीज निकलेंगी और आप एग्ज़ाम देंगे, तो फिजिकल एजुकेशन का कहीं भी एग्ज़ाम हो सिलेबस सेम ही होता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, किन्सियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो जो किन्सियोलॉजी है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों काइनेसिस प्लस लोगस से मिलकर बना है। काइनेसिस का मतलब होता है गति और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी गति का अध्ययन। तो इसे गति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी का जनक कौन है? तो किन्सियोलॉजी यानी गति विज्ञान का जनक है अरस्तु। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा का, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, किन्सिस शब्द का क्या अर्थ? तो किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों काइनेसिस प्लस लोगस से मिलकर बना है। काइनेसिस का अर्थ होता है गति, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यहाँ पे गति आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? तो हमारे शरीर के अंगों की गति किन्सियोलॉजी में क्या किया जाता है कि प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन, जैसे जिसमें शरीर की बनावट, मांसपेशी, हड्डियों, जोड़ों तथा उसके कार्य तंत्र जो प्राणी की गति प्रदान करती है, प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्राणी का शरीर किस प्रकार बल पैदा करता है और शरीर को गति प्रदान करता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है किन्सियोलॉजी में। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स में क्या हो जाता है जैव यांत्रिकी में? तो बायो प्लस मैकेनिक्स, यानी शरीर, मानव शरीर जिन उपकरणों को लेकर गति करता है उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है दोस्तों? तो किन्सियोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि बायोमैकेनिक्स में बायो प्लस मैकेनिक्स दोनों जुड़ जाता है, यानी कि बायो मतलब होता है जीव और मैकेनिक्स मतलब मशीन, यानी भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आ जाता है बायोमैकेनिक्स, जो मनुष्य के शरीर का मशीन के रूप में अध्ययन करता है। यानी कि जो बायोमैकेनिक्स होता है वह प्राणी तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरणों की गति के विषय में अध्ययन करता है, यानी शरीर की संरचना, नाड़ी तंत्र, मांसपेशी आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान मैकेनिकल फिजिक्स के नियमों और सिद्धांतों के उपयोग करता है कि किसी जैसे भाला को किस कोण पर फेंकना है एंड किस दौड़ते समय हम बाई ओर क्यों मुड़ते हैं, ये सभी सिद्धांत हम बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तरल पदार्थों में समतलता का सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत को दिया है आर्किमिडीज ने, इन्होंने ही उत्प्लावन बल का भी सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी खिलाड़ियों की टीम का पहला चिकित्सक कौन था? तो दोस्तों वो था गैलेन। गैलेन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि मानव पेशियों में संकुचन होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के बारे में जानकारी किसने दी? तो दोस्तों गैलेन और विंसी, गैलेन ने भी बताया सबसे पहले कि मांसपेशियों में संकुचन कैसे होता है, और लियोनार्डो द विंसी ने भी बताया। लियोनार्डो द विंसी ने कहा था कि जो उतरता है यानी ऊपर से नीचे जाता है वह छोटे छोटे पग लेता है।
क्योंकि उसके शरीर का भार पिछले पैर पर होता है, और जो चढ़ाई चढ़ता है वो लंबे लंबे पग लेता है क्योंकि उसका जो शरीर का भार होता है अगले पैर पर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं। यह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया था? तो आपको पता है कि लंबी अस्थियां जो है उत्तोलक का कार्य करती हैं, बट इस बात को सिद्ध सबसे पहले किसने किया था? तो अल्फांसी बारोली ने किया था, अल्फोंसी बारेली ने। नेक्स्ट दोस्तों, ये परिभाषा है फिजिकल एजुकेशन की, कि यह किसने कहा कि सारी शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन के कुल जोड़ को ही सारी शिक्षा कहते हैं। तो मैं आपको सारी शिक्षा की अर्थ परिभाषा में अच्छे से बताया हुआ है ट्रिक के साथ, कि कोई भी परिभाषा आप एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो जब भी आपको भीतरी अनुभव के साथ व्यक्ति विशेष में परिवर्तन शब्द आए, तो वहाँ पर आपका रोजालिन कैसिडी की परिभाषा हो जाएगा। जब अनुभवों का सामूहिक प्रभाव और जो व्यक्ति विशेष में प्रक्रिया से प्राप्त प्रक्रिया अनुक्रिया शब्द आए अनुभव के साथ, तो वहां पे आबरेट यूफर का परिभाषा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, बायोमैकेनिक्स विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों अभी जस्ट बताई हूँ, बायोमैकेनिक्स ये भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए हैं? तो आप सबको पता है, तीन नियम दिए गए हैं, जड़ता का नियम, संवेग का नियम एंड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें से प्रथम नियम जड़ता का नियम को जड़त्व का नियम, अक्रमणता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम कहते हैं, और दूसरे नियम को संवेग का नियम, जिसे त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नाम से जाना जाता है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। और न्यूटन ने इन तीनों सिद्धांतों को, गति के तीनों नियमों को 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में प्रकाशित किया। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों ये न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है, वेग परिवर्तन की दर का नियम क्या है? दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, और त्वरण का नियम जो है वो न्यूटन का द्वितीय नियम है, तो गति का द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। यानी किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, तो आइजैक न्यूटन ने किया। नेक्स्ट है, किस विज्ञान में मानव शरीर को जीवित मशीन कहा गया है? तो दोस्तों यह कहा गया है किनेसियोलॉजी में। नेक्स्ट है, किस खेल में तीसरे स्थान पर दो खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों को भी ओलंपिक में पदक मिलते हैं? तो बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, इन सभी में ऐसा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सिस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लेन और एक्सिस दोनों तीन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको पता ही है कि जो प्लेन होता है तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे, जिसे फ्लक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होता है। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। और दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होता है, एबडक्शन और एडक्शन मोमेंट। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन,
जिसे ट्रांसवर्स प्लेन या सुपीरियर इन्फीरियर प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, और गति भी जो है सभी रोटेशन और इलिवेशन मोमेंट्स होते हैं। जो अक्ष या एक्सिस होता है वो भी तीन होता है, फ्रंटल एक्सिस जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, जो सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है। दूसरा होता है सेजिटल एक्सिस जिसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं, जिसे जो फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है। तीसरा होता है वर्टिकल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। नेक्स्ट है काल्पनिक, जो क्षैतिज जल तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटती है उसे वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट है एक काल्पनिक रेखा जो ऊपर नीचे की ओर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस में मान लीजिए आपका ये आपका मनुष्य है, ठीक है, तो यहां पे आपका जो एक्सिस होता है ये आपका हो गया फ्रंटल एक्सिस, ये हो गया सेजिटल एक्सिस, और यहाँ ऊपर से सीधे जाता है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन का समय कब से कब तक माना जाता है। तो न्यूटन का समय दोस्तों 1642 से 1727 तक माना जाता है, और 1687 में इन्होंने प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के तीन नियमों का प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है न्यूटन के नियम कौन से हैं। तो जड़त्व का नियम, गतिमान का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये सभी न्यूटन के नियम हैं। नेक्स्ट है किस विद्वान ने हिप्पोक्रेटस की चिकित्सकीय विधियों को पुनः जीवित किया। तो वो थे दोस्तों जैसे कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, और इनके विधियों को पुनः जीवित करने का कार्य किया क्लॉडियस गेलन ने। नेक्स्ट है खिलाड़ियों की गति कैसे जांची जाती है। तो खिलाड़ियों की गति होती है उसको सिनेमेटोग्राफी से मापा जाता है। नेक्स्ट है शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों शक्ति तीन प्रकार की है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसमें से जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है अधिकतम शक्ति में 90 से 100% होती है, यानी कि पेशियों की वह क्षमता होती है जो किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, एकदम से पूरा अवरोध को पार किया जाता है, एक बार में बल लगाकर पूरी शक्ति लगाकर ऊपर ले जाते हैं। और जो विस्फोटक शक्ति होता है वो गति और शक्ति दोनों का मिला हुआ रूप होता है, इसमें जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी होती है 70 से 80% होती है, और यानी कि विस्फोटक शक्ति पेशियों की वह क्षमता होती है जो तीव्र गति या उच्च चाल के समय प्रतिरोध को हटाने का या उसके विरुद्ध कार्य करती है। अचानक श्रम जैसे कार्य में लगी पेशियों शक्ति की योग्यता को मापा जाता है, जैसे शक्ति और गति का समन्वय होता है विस्फोटक शक्ति। जैसे कि जितनी भी जंप वाले क्रियाएं हैं जैसे कि 100 मीटर स्टार्ट हो गया, एंड बॉक्स जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, सॉर्जेंट जंप, प्लायोमेट्रिक जंप, ये सभी जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता। जब सहनशीलता शब्द आ गया दोस्तों और शक्ति भी है, तो यहाँ पे लंबे समय तक थकावट की स्थिति में अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता शक्ति सहनशीलता कहलाती है। यह शक्ति और सहनशीलता दोनों का समन्वय होता है, इसमें जो तीव्रता इंटेंसिटी होती है 40 से 50% होती है। कोई भी एक्सरसाइज दोस्तों एक बार किया जाए तो उसको शक्ति कहेंगे, और बार बार किया जाए तो उसको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में आ जाएगा।
नेक्स्ट है अधिकतम शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने की विधियां हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। और यहाँ पे अलग से तो हम ये नहीं पढ़े हैं कि केवल अधिकतम शक्ति को विकसित करने की कितनी विधियां हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है चार। ठीक है, नेक्स्ट है विस्फोटक शक्ति कितनी प्रकार की होती है। इस चीज को भी अच्छे से नहीं बताया गया है कहीं बुक में, बट यहाँ पे तीन प्रकार का दिया हुआ है विस्फोटक शक्ति। अगर कहीं मिलेगा तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगी। नेक्स्ट दोस्तों सहनशीलता शक्ति कितनी प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है, एरोबिक अन एरोबिक। नेक्स्ट है मैरीकॉम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैरीकॉम प्रसिद्ध बॉक्सर खिलाड़ी हैं, आपको पता ही है। इसको बोला जाता है मैग्नीफिसेंट मैरी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आमाशय यानी स्टोमच पेट के बाहरी खोल को क्या कहा जाता है। तो इसके बाहरी पेट को जो खोल होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली से ढका होता है। नेक्स्ट है दोस्तों संबंधित शक्ति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों संबंधित शक्ति का अर्थ है शरीर और भार के संदर्भ में शक्ति। नेक्स्ट है सहनशीलता का क्या अर्थ है। तो सहनशीलता का अर्थ कई बार बताया गया है कि किसी कार्य को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करते रहना ही सहनशीलता कहलाता है। सहनशीलता को डेवलप करने की चार विधियां हैं, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में भी कई विधियां हैं जैसे कि स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, वेरिएबल पेस मेथड एंड फॉर्टलेक मेथड। नेक्स्ट है दोस्तों अक्रियाशील लचीलापन होता है। जैसे कि लचीलापन जो है दो प्रकार का होता है, क्रियाशील अक्रियाशील यानी एक्टिव और पेसिव। जो क्रियाशील होता है वो जो गति की मात्रा यानी रेंज ऑफ मूवमेंट में वृद्धि स्वयं द्वारा बिना किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से बढ़ाया जाता है। अक्रियाशील जो होता है वह किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु के सहारे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ अक्रियाशील लचीलापन क्या होता है। तो अक्रियाशील लचीलापन जो होता है वह क्रियाशील लचीलापन से अधिक होता है। नेक्स्ट है समन्वय योग्यता के उदाहरण हैं। तो दोस्तों समन्वय योग्यता सात प्रकार की होती है, जैसे कि हमारा जो मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय एकता। तो समन्वय एकता जो है वो सात होती है, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था ABCDRRO। ठीक है, मैंने बताया था ABCDRRO। ठीक है, ये सात प्रकार के हैं। ए से एडाप्टेशन एबिलिटी यानी अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी यानी संतुलन योग्यता, ठीक है, एंड सी से क्यूपलिंग एबिलिटी यानी युग्मन की योग्यता, डी से डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी यानी पृथककरण की योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी यानी तालमेल योग्यता, फिर दूसरे आर से रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी निर्धारण योग्यता। तो यहाँ पे संतुलन योग्यता, युग्मन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, ये सभी जो है आपके समन्वय योग्यता के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है समन्वय योग्यता बढ़ाने की निम्न विधियाँ हैं। तो दोस्तों हम समन्वय योग्यता को अपने अंदर कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, शारीरिक व्यायाम करके, जो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा बॉडी का, थकान की स्थिति में भी अभ्यास करके। कभी कभी कंडीशन आ जाएगा कि आप थक गए हैं फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अपने अंदर ये डेवलप कर सकते हैं व्यायाम में परिवर्तन करके। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। तो शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशी द्वारा शिक्षा, ड्रिल व खेल द्वारा शिक्षा,
शरीर को माध्यम बनाकर शिक्षा, तो उपरोक्त सभी आपके राइट होंगे। नेक्स्ट है पुनः स्थापन का क्या अर्थ है। पुनः स्थापन यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास यानी कि पुनः पहले वाली स्थिति में चोट लगने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आना ही पुनर्वास या पुनः स्थापना या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा चोट के बाद दोबारा खेलना यानी दोबारा पहले वाली स्थिति में आना। और इसके लिए तीन विधियाँ होती है दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियाँ एंड करेक्टिव एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है डोपिंग का अर्थ है। तो दोस्तों डोपिंग का अर्थ होता है कि जो खिलाड़ी जो है अपने परफॉर्मेंस को खेल कूद में डेवलप करने के लिए या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बाहरी पदार्थों या जो प्रतिबंधित पदार्थ है उन सबको सेवन करना ही डोपिंग कहलाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से चार सिरों वाली मांसपेशी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे चार सिरों वाली मांसपेशी जो है यहाँ पे सेरेटस एंटेरियर होता है जिसे बॉक्सर मसल्स बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ब्लूम द्वारा कितनी समन्वय एकताओं को बताया गया है। तो जो सात प्रकार की समन्वय एकता को बताया गया है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को उन्होंने ब्लूम ने ही दिया है। नेक्स्ट दोस्तों फॉर्टलेक विधि का दूसरा नाम क्या है। तो आप सबको पता है फॉर्टलेक विधि जो है स्वीडिश शब्द से आया हुआ है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। फॉर्टलेक विधि की खोज 1937 में गोस्टाव हुमलर ने किया था। इसे एंड्योरेंस डेवलप यानी साहसिकता डेवलप करता है और ये बिना पूर्व नियोजित तरीके से नॉट प्रॉपर प्लानिंग तरीके से किया जाता है और इसमें अभ्यास की गति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, इसलिए इसको स्पीड प्ले विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है खेल औषधि विज्ञान से क्या समझते हैं। तो दोस्तों खेल औषधि विज्ञान का मतलब ये होता है कि खिलाड़ियों की क्षमता में सुधार लाने और उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए खेल औषधि विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत मसाज होता है एंड फिजियोथेरेपी हो जाए है, जल चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा एंड मोम चिकित्सा, बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है खेल औषधि विज्ञान का क्या महत्व है। दोस्तों खेल औषधि विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि आप खेल रहे हैं, एकाएक आपको चोट लग गया यानी कि चोटों की कमी आती है, खेलों की स्थिति में सुधार होता है, प्रशिक्षण विधि को खोजने का साधन, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे लाभ मिलते हैं खेल औषधि विज्ञान के ज्ञान होने से। नेक्स्ट दोस्तों पैराफिन स्नान सहायता करता है। तो जो पैराफिन स्नान होता है इसे मोम थेरेपी भी बोला जाता है और आयन वैक्स थेरेपी भी बोला जाता है। तो जो पैराफिन बॉथ होता है ये जोड़ों की चोटों विशेषकर हाथ पैर और घुटनों में जिसके इसमें हड्डी टूटे अंग पर प्लास्टर खोलने के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो जोड़ों की चोटों में ये पैराफिन स्नान यानी पैराफिन बॉथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट दोस्तों पराबैंगनी कीड़ों कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो जो पराबैंगनी कीड़े हैं वो सूर्य द्वारा उत्सर्जित होती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है हमारी जांघ की फीमर, जिसे उर्वास्थि भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर होता है आपका टिबिया, पैर की टिबिया हड्डी। नेक्स्ट है चोट लगने के बाद पुनर्वास की क्या विधियां हैं। तो दोस्तों चोट लगने के बाद पुनर्वास की तीन विधियां हैं, एक करेक्टिव एक्सरसाइज करिए उससे संबंधित, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी उसको दिलासा दिलाए कि हाँ ठीक हो जाएगा, उसको हताश न करें, और तीसरा होता है फिजियोथेरेपी जिसके अंतर्गत जल चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा, क्रायोथेरेपी एंड सारी प्रक्रियाएँ मोम थेरेपी आदि आती हैं। तो यहाँ पर दवाइयों द्वारा उपचार यानी कि फिजियोथेरेपी, व्यायाम हो गया एंड मनोवैज्ञानिक उपचार, ये तीनों विधियां राइट आंसर होगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है खेलों की चिकित्सा विधि निम्न है।
तो जल उपचार से भी होता है, हाइड्रोकोलेट्रल पैक से भी होता है, पैराफिन बाथ यानी मोम चिकित्सा से भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है गामक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गामक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तकनीकी में। नेक्स्ट है बायोमैकेनिक्स पद का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? बायोमैकेनिक्स जो पद है उसका प्रयोग किसमें होता है? तो दोस्तों एक खेल औषधि विज्ञान में भी होता है बायोमैकेनिक्स पद का जो प्रयोग है, खेल औषधि विज्ञान में भी होता है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों कि बायोमैकेनिक्स पद जो है वह जैसे कि खेल औषधि विज्ञान ही है, उसमें आपको देखना है कि किस क्रिया से कौन सा मतलब चोट लग सकता है, तो किस कोर पर फेंका जाए कि उस पर सावधानी होगा, एंड जूतों का जो सोल है वो कितना एंगल पर रहना चाहिए, एंड जो जूते के नीचे सोल यानी कांटे लगाए जाते हैं वो घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो इस आंसर में कन्फ्यूजन है, इसको आप राइट बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, एंड डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। परीक्षा कभी भी हो आपका एक सीट होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।